देव कि कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग परमपुर से बाबा जी माता जी की कृपा से एकदम अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन करके दिखाऊंगी। मैं खुद आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन करने जा रही हूँ, तो सोचा कि आप लोगों को भी एक वीडियो के माध्यम से पूरा दिखा दूँ और ये करने के बाद जो अनुभव होगा वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि जो लोग पुराने लोग थे उन लोग ने भी, बहुत से लोगों ने आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन किया है, तो पॉलीथीन में सामग्रियाँ मिलती थी, लेकिन अभी आपको इस तरह की पैकेट के अंदर जो ऊर्जा वृद्धि हवन है इस तरह का पैकेट में हमें मिलेगा। और देखो कितनी मस्त पैकिंग है इसकी, रसी परिवार, और यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन इस तरह का है। और दूसरा यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं कि इस बॉक्स के अंदर, किट के अंदर क्या क्या सामग्रियाँ हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, किट के अंदर है वो सब लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दरबार का जो व्हाट्सअप नंबर सब दिया हुआ है, दरबार का वेबसाइट दिया हुआ है, और कितने रुपए का है तो इसका MRP भी यहाँ पे दिया हुआ है 21,000 रुपये। तो पूरा ये इसके अंदर सामग्री है, ठीक है, ये सामग्रियाँ हैं। चलिए अब इसको खोलते हैं और मैं हवन स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप लोग भी देखते रहिए। तो जो लोग पुराने सभी लोग हैं वो सभी लोग आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन यहाँ से कर ही लीजिएगा। इसकी पैकिंग बहुत बढ़िया है और पूरा हर एक चीज़ ना लिखा हुआ है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। ये पूरा खुल चुका है और इसके अंदर ये सब सामग्री आ चुकी है, तो यहाँ पे रख लेते हैं। इसके अंदर देखिए ये कपूर दिया हुआ है जो मैं इसे अलग कर लेती हूँ। कपूर दिया हुआ है, उसके बाद ये रोली दी हुई है, थोड़ा रोली यहाँ पे रखती हूँ, पास में बचा लेती हूँ। उसके बाद आपको वाला माइक लाना पड़ेगा जिससे आवाज़ तेज आती है। ये दीपक आ जाएगा इसके अंदर, मुझे दिखाते रहो, ये दीपक आ जाएगा इसके अंदर, ये दीपक, सॉरी, ये बाती है, बाती दीपक आ जाएगा इसके अंदर। हमें सभी बातियों को रख लेना है दीपक के अंदर। जैसा कि आप लोग को पता है ये जो हवन है, इस हवन को लगभग 5 से 6 घंटे 7 घंटे भी लग जाते हैं, तो अब मैं यहाँ पे 6-7 घंटे तक बैठी रहूँगी एक ही जगह पे। ये कलावा भी है, होली भी है, बाबा माता को भोग लगाने के लिए हरी इलायची लौंग, और ये देखिए देखेंगे तो मैं कुछ पुष्प मैं तोड़ के लेके आई हूँ, तो आप कुछ पुष्प तोड़ लीजिएगा। और यहाँ पे बाबा माता को भोग लगाने के लिए मैं ये मिष्ठान मिठाई भी लेके आई हूँ, ऊपर करूँ, मुझे भी दिखाया करो। तो बाबा माता को भोग लगाने के लिए मिष्ठान भी लेके आई हूँ, यहाँ पे रख लेते हैं। और ये जो है इसके अंदर अपने को धूप बत्ती मिल जाएगी, हमें रख लेना है। अगरबत्ती भी मिल जाएगी हमें यहाँ पे। मैं सब चीज़ें ना एक साथ में पहले निकाल के रख लूँगी, फिर आराम से अपना करती रहूँगी।
और ये जो अपना आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन जो है वो किस तरह की पैकिंग में मिला हुआ है, इसे हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसका बॉक्स हो गया। इस बॉक्स को हम लोग इस जो बाबा माता को सूक्ष्म रूप से मैं ये जो हाँ पहले तो ये जो हवन कुंड मिला हुआ है हवन सामग्री इसका ये थैली निकाल के इसके अंदर ऐसे रख दूंगी। और ये मैंने एक गिलास पानी भी लेकर रख लिया हुआ है। पुष्प मैंने लिए हैं, इसको मैं थोड़ा बाबा माता को सूक्ष्म रूप से याद करके यहाँ पे चढ़ा दूंगी। बाबा माता को भोग लगा रही ये जो कपूर है इसके अंदर हमें फंसा देना है।
तीन बार करौली शंकर महादेव की जय बोल के आप लोगों को ये जो कपूर खोसे हैं इसे जला देना है। बाबा माता को और दरबार को हमें याद कर लेना है, याद करने के बाद हमें कपूर जला देना है और ये चारों साइड से हमें जला देना है। देख सकते हैं मेरा आरोग्य ऊर्जा मुक्ति हवन होना स्टार्ट हो चुका है। बाबा माता से मैंने प्रार्थना भी कर लिया है। बाबा माता हमारे डीएनए में जितने भी लोग शामिल हैं सभी लोग के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और मेरे पापा और पापा को ज़्यादा सारी कष्ट है उनके लिए मैं स्पेशली प्रार्थना की हूँ। तो इस हवन के अंदर सभी लोग का मारण कट जाएगा। प्रार्थना करके हमें स्टार्ट कर देना है और ये जो अभी देख रहे हैं कपूर जला हुआ है अभी इसे थोड़ा सुलग जाएगा तो इसमें बुझा दूंगी। फिर ये जब तक जलेगा तब तक यहाँ पे मुझे बैठना है, लगभग पाँच से छः घंटे मुझे यहाँ बैठना रहेगा। अभी देखो समय कितना हो रहा है, अभी 11 नहीं बचा है, 11 बजने में 10 मिनट बाकी है और मैंने शुरू कर दिया था लगभग यहाँ पे 10:30 बजे से मैंने ये सब तैयारियाँ शुरू कर दी। तो देखते हैं और पूरा आप लोगों को कर लेंगे, इसके बाद वापस आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने कैसे किया हुआ है, तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। तो
बाकी जो जो चीज़ें जैसे कि ये कलावा जो है बाबा को थोड़ा मैंने चढ़ा दिया है, बांध दिया है, और इसे हम अपने हाथ में रक्षा सूत्र की तरह इसको हम लोग बांध लेना है, और बाबा को जो भोग लगाए हैं वहाँ वहाँ पर जो चीज़ें रखी हैं तो वो सब हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है, ठीक है। और ये सब आप देख सकते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती सब दिखा दिया है, बाबा माता को प्रणाम कर दिया है। तो अब यहाँ पर ही बैठना है, तो बैठते हैं। तो आप लोग भी जितने लोग दरबार से जुड़े हैं सभी लोग, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को आरोग्य ऊर्जा वृद्धि के बारे में पता चले, और पुराने जितने भी लोग हैं आप लोग याद से आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन कर ही लीजिए, बची कुछ समस्याएं सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग आप देख रहे हैं ना, तो ये सब लोग आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन वाले हैं, और ज़्यादातर शाम के समय बहुत ज़्यादा लोग ऊर्जा वृद्धि हवन करते हैं, क्योंकि सुबह संकल्प होता है, और संकल्प जो है दरबार में 9 बजे से शुरू हो जाता है। गुरुदेव एक ऑडियो के द्वारा भी संकल्प होता है, और गुरुदेव द्वारा भी मारण तंत्र काटा जाता है, तो दो दो तीन तीन संकल्प होता है, तो लोग शाम को करते हैं ना तो सुबह संकल्प हो जाता है। तो मैं सुबह के समय हवन कर रही हूँ ताकि वीडियो बना के आप लोगों को दिखा सकूँ, क्योंकि रात को दिखता नहीं है, तो इसीलिए मैं दिन में बना रही ताकि आप लोग को देखने को मिल जाए, कुछ आइडिया मिल जाए, और आप लोग भी इस चीज़ों को करो। बाबा माता की कृपा हुई, उनका आशीर्वाद मिला, तो ये हवन मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बैठना मुझे 5-6 घंटे, अब मोबाइल में बाबा जी का कोई भजन चालू कर दूँगी, चालू करने के बाद वो सुनती रहूँगी, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहूँगी, और अपनी मंगल कामना के लिए प्रार्थना बाबा माता से करती रहूँगी। वैसे आप लोग भी करिएगा पूजा, देखिए पूजा के अंदर भाव बहुत मायने रखते हैं, पूजा आपकी आप अच्छे से डेकोर अच्छे से सजा रहे हो कि नहीं सजा रहे उससे मायने नहीं रखता है, आपके भाव क्या है, भाव से पूजा होनी चाहिए। बाबा माता को सिर्फ भाव समझ में आता है, भाव से करिए सब अच्छा होगा। तो 10:30 बजे से मैं बैठी हूँ हवन करने के लिए, और अभी आप देख सकते हो साइड साइड से सुलगा हुआ है, बीच का अभी बाकी है, तो अभी 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, 10:30 से 12:30 बजे, अभी 12:30 बजा नहीं 12:15 हुआ है, तो आधे घंटे 2 घंटे एग्जैक्ट 2 घंटे बाद मैं इस नारियल को ऐसे रख दूँगी, फिर इसको पूरा सुलगना रहेगा, अभी ये सुलग रहा है इसको रख दूँगी, ये सुलग जाएगा, तो फिर उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, भभूति बन जाएगी, भभूति लेके मैं यहाँ से उठूँगी। वैसे आप लोग भी करिएगा, मेरे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पे हवन, बहुत सारे मतलब शाम के समय तो बहुत, ये पूरा जो दरबार आप देख रहे हैं माता जी का, ये आरोग्य हवन वाले ही रहते हैं, सुबह के समय उतनी भीड़ नहीं है क्योंकि सब लोग शाम को ही कर लेते हैं, क्योंकि सुबह संकल्प होता है, तो इस समय सारे आरोग्य ऊर्जा वृद्धि हवन जो लोग किए हैं वो लोग संकल्प कर रहे हैं। मेरा जो है मैं वीडियो के चक्कर में सुबह हवन कर रही हूँ, ये सब लोग जो देख रहे हैं ना ये सब आरोग्य ऊर्जा बुद्धि वन हवन वाले, और ये हवन अभी नए तो फिर भी चलेगा लगभग 2-3 घंटे, मुझे लगता है कि और जाएगा इसके अंदर 3 घंटे लगेगा, क्योंकि अभी तो इसको लगने में बुझने में कितना समय जाएगा, अभी तो रखा भी नहीं। चुका है, ये खाली बॉक्स पड़ा है, और अभी आप देखेंगे तो 4 बजने वाला है, 3:59 हो रहा है यहाँ पे, 3:59 मतलब इधर एग्जैक्ट 4 बजे, अभी देखो यहाँ मेरा हवन जो है पहुँचने ही वाला है, मतलब आप देख सकते हो मिनिमम आपको 5 घंटा तो जाएगा ही हवन के अंदर।
मैं 10:30 बजे से बैठी हूँ, तो सब हवन शुरू करते करते मैं 4:15 को मैं 10:30 बजे से हवन स्टार्ट करना शुरू की थी और हवन शुरू करते करते 11:15 बज गया था। 4 बजे तक मेरा पूरा हवन कंप्लीट हुआ। तो कम से कम हमें हवन करने में 5 घंटे मिनिमम लगेगा ही। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।